सिफत सलाहा अकथ कहानी है। सतगुर सचे वाहा सद कुरबाणी है। सची सिफत सलाहा अकथ कहानी है। सतगुर सचे वाहो साध कुरबाणी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह, लोक परलोक दे सहायक, पतित पावन अंतरजामी, सर्व कला समर्थ सतगुरु सचे पातशाह, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच सुभायमान सत्कारयोग साध संगत जी सारयां ते सतगुरां ने तरस कीता, रहमत कीती है।
अपने चरणों विच बुलाया है, बैठन का समा बख्शिश किया है। अज दे विचार विच भाई गुरदास जी ने अकाल पुरख की उस्तत की है, उसनू बादशाह किया है ते बेपरवाह, बहुत ही बेपरवाह है और उदा किसी ने अज तक अंत नहीं जानिया। उदी बेपरवाही की सूचना कितों मिली कि वह बेपरवाह बहुत है? उदा पता किवें लगा? जिहड़े लोग उहदे नाल जुड़े, जुड़दिआं सार नहीं तो आम तौर पर संसार चिंता विच है, डर विच, भय विच, प्रैशर विच जी रहा है, किसी ना किसी प्रकार दे चिंता विच रहिंदा है, सोचा विच डुब्या रहिंदा है। किवें पता लगा? वह बड़ा बेपरवाह बहुत वड्डा है। जिहड़े लोग चिंता विच घिरे हुए सन जदों उहदे नाल जुड़ गए, उन्हां दे जीवन वालों वेख्या भी इन्हां नूं कदी परवाह ही नहीं हुई किसी गल की, बेपरवाह, कोई चिंता नहीं। जिवें कोई नशई आदमी किसी नशे विच तुत हो के पिंड दीआं गलियां विच विचरदा है, उहदे घर विच भावें खाण जोगे दाणे भी नहीं पर उस नशे की खुमारी विच वड्डे वड्डे लोकां नूं चैलेंज कर दिंदा है, परवाह नहीं करता। हाँ, इहदे विच ते रब दे प्यारियां विच फर्क एक पै गया। ये खुमारी ते नशा बंदे नूं बेहोश करता है ते हंकार वाली बेपरवाही दिंदा है। उहनां कोल भी बेपरवाही, पर उहनां दे विच ये फर्क है कि वह हंकार नाल संबंधित है। उहनां दा माण, उहनां दा जिहड़ा हंकार जिहड़ा है, हंकार नाल संबंध रखदी बेपरवाही। पर दूजे पासे जिहड़े रब दे प्यार विच बेपरवाह होए ने, उहनां दे विच एक पासे निम्रता भी नाल है, जड़ विच निम्रता है ते नाल उहनां दे बेपरवाही, स्वतंत्रता, आजादी, खुल गए उहनां दे बंधन, सारे सारे दुख टुट गए, खत्म हो गए, जिउण दी जाच ही उहनां नूं आई। ये बड़ा फर्क है। जिन्हें इस दात नूं नहीं माणिया, धर्म जिन्हों कहिंदे ने, जिवें असीं बाहरों वेहने संसार विचों, वह इन्हां लोकां वल वेखदा भी ये विचारे इन्हां ने कीते की दुनिया विच, ये दुनिया छड्ड के बह गए, इन्हां नूं मिलिया की आ के जन्म लिया, वह ये सोचते रहिंदे सारी उम्र। पर सिंघासन दो तरह के ने, एक बाहर सिंघासन लगा है, एक अंदर है साढ़े, जरूरी नहीं बाहरला सिंघासन। दो चीज़ा ने इत्थे, जे सतगुरां दी बाणी नूं कुछ ना कुछ अंदर धारण करना है तो इस फार्मूले नूं समझ नाल तकरीबन 50% गुरबाणी समझ विच आ जाती है कि दो प्रकार की जिंदगी साड़ी। जे असी एक प्रकार की समझी जाएंगे, अर्थ पढ़ के भी सानू समझ नहीं आनी, बहुत सारे शब्द ऐसे, एक बाहर सुख, एक अंदर सुख, सुख एक नहीं। बाहरले ते अंदरले सुख विच गुरु साहब ने फर्क ही दस्या। वह कहिंदे अंदरला सुख सदा है ते बाहरला सुख वक्ती है दोवें सुख ने, एक शरीर का महाराज उहदे विच ते इहदे विच फर्क की। कहिंदे बाहरले सुख विच नुक्स एक सुख तां है रुख दी छां वरगा, रुख दी छां बड़ी सोहनी लगदी, रुख दी छां थले आदमी बैठा बड़ा स्वाद आया, बड़ा आनंद। उहदे विच दो नुक्स ने, एक ते थोड़े चिर बाद उह छां जिहड़ी है थां बदल गई, एक ये नुक्स है उहदे विच। दूजा यह भी जदों छावें बैठे से उदों गर्मी लगी तो ज्यों ज्यों बहिंदे गए टाइम लंघता गया तो छां दे अर्थ गुआच गए, छां चंगी नहीं लगती। जिन्ना चिर छावें नहीं सी बैठे उन्ना चिर खिच सी उहदी, पर जदों उन्हूं थोड़ा जिहा मान लिया
जिन्हों जिन्हों सन्मा समा निकलता गया मानते गए तो छां के अर्थ खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहा। बस ये नुक्स है पदार्थ विच ते परमार्थ विच, दो लफ्ज ने पदार्थ ते परमार्थ। कबीर जी ने यदि उदाहरण दिती, वो कहिंदे बस यही फर्क है, दुनिया का पानी पीता है तो बड़ी प्यास लगी सी, गिलास मूँह नूं लाया तो पहला घुट बड़ा स्वाद, प्यास सी। जदों पहला घुट पीता तो प्यास की मौत हो गई, स्वाद खत्म होना शुरू हो गया। दूसरा पीता तो स्वाद होर घट गया, तीजा चौथा, तो फिर बाकी वाला अद्धा गिलास तो बंदा एवं अंदर बगाउंदा भी हुण करिए की, खाली की छड़ना, पी लो, है तो कुछ भी नहीं। ये पदार्थ है, पदार्थ का मतलब जिन्ना चिर भोगते नहीं उन्ना चिर रोमांटिक खिंचदा बंदे, खिंच पाउंदा, पर ज्यों ही उहदी वरतों कीती नाल ही उहदी मौत हो गई। भोग वह भी है पर एक दूजा भोग है, जिहदे विच कबीर जी बहुत प्यारे शब्द कहिंदे, महादो जल की प्यास न जाए, जल मह अगन उठी अधिकाए। कहिंदे एक पानी मैनू इस तरह का मिलिया रब दे नाम का, इनू ज्यों ज्यों पीना तो इहदी प्यास घटदी नहीं, प्यास होर वधदी जांदी। बस ये तां ही लाभदायक है भी इहदी मौत नहीं हुंदी, अकाली सुख है काल तो परे दा, इहदी कदी मौत नहीं होनी, कदी ना वह मरे ना होवे सोग। शरीर दे जिन्ने साडे एक्सपीरियंस ने तजर्बे ने यह शरीर नाल संबंध रखदे ने। तुसी वेखो शरीर के किन्ने रस ने, नौ रस गिने, रस सोयना, रस रूपा, कामण रस, परमल की वास, रस घोड़े, रस मंदर, मीठा रस, मीठा रस मास, एते रस शरीर के कह घट नाम निवास। हैण तां जरूर पर तुसी कदी वेखना भी आ ही शरीर हुंदा है, थोड़ा जिहा बुखार चढ़ गया ते बुखार चढ़िया प्रशादा उ ही है जिहड़ा कल बड़ा स्वाद लगता सी, अज मूँह ते प्रशादा रखिया कहिंदे प्रशादा जहर वर्गा लगता है, की हो गया, उ ही रोटी है, वह अंदरों रस खत्म हो गया उन्हूं खिंचन वाला। इस करके गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी कहिंदे भी आ तैनूं मैं दो तरह का सुख दसा, तू हुण चुन लई अपनी मर्जी नाल, क्योंकि गुरु साहब धक्का नहीं करदे किसे नाल, तू दोवां नूं पहलां वेख। ये गुरु साहब का सिद्धांत है, किसी ते दबाव नहीं पाउणा, किसी नूं फोर्स नहीं करना, धक्का नहीं करना किसी नूं, क्योंकि धक्के नाल जिहड़ी चीज़ कीती जांदी उह कुदरती नहीं रहिंदी, ख्याल करना, जिहदे उत्ते बहुता दबाव पाया जांदा ना, आदमी नूं दस देना भी आह वेख लै दोवें चीज़ां, इहदे रिजल्ट वेख, इहदे वेख, चंगी तरह कोख तजर्बा कर, अपना करके वेख। इसलिए गुरु साहब ने सिख नूं पदार्थ भी दिता है तो परमार्थ भी दिता है। उहदा कारण है भी उह बड़ा वड्डा मनोविज्ञान है, बंदे दा मन उत्थे रहिंदा जिथे उह नहीं जांदा, जिथे उह हुंदा है उत्थे नहीं हुंदा। आप जी हैरान होवोगे, संसार दे सारे त्यागी 100 विचों 2 नूं छड्ड के 98 दुनिया विच ही रहिंदे ने, जिन्हां ने संसार त्याग दिता है ना, परिवार त्याग दिता है, कारोबार, 100 विचों 98 दुनिया विच रहिंदे ने, इह वक्खरी गल है, शरीर उहनां दा बाहर रहिंदा है। तो जिन्हें धार्मिक ने उन्हों का मन धर्म वल, जेड़े संसारी ने धर्म वल रेंदे ने बहुत, क्योंकि जिथे असी होंने उत्थे साडा मन नहीं हुंदा। इस करके गुरु साहब ने साडे सामने दोवें चीज़ां रख दित्तियां भी आ पदार्थ, इहनू भी चख के वेख, किते तेरे अंदर थोड़ा जिहा शक रह गया ना, पता नहीं उत्थे की है, बस फिर तेरे विच कच्चापन आ जाएगा, वेख लै। हाँ, एक दूजी कैटागरी है, जिन्हां ने पहला बड़ा वेख्या हुंदा सीधे ही छड्ड जांदे ने, हिम्मत हुंदी उहनां विच, सारे नहीं कर सकदे। गुरु साहिब ने बचन कीता जदों माया बारे कहा भी तुसीं माया दे विच भी रहिंदे हो, व्यापार परिवार सारा कुछ, सिखां नूं भी कह रहे हो, हजूर कहिंदे भी बंदे दे मन दा है इस तरह की अवस्था, बनावट इस तरह की, जे इहनूं किसी चीज़ विचों कढ लो एकदम तो इहदा ध्यान उत्थे गड्डिया रह जांदा है। उहनूं छडाउण वास्ते इको ही तरीका है, एक बारी इहनूं भटकण दिता जाए, एक बारी इहनूं धक्के खा लैण दिते जाण, चंगी तरह खाए पूरी तरह। ते गुरु साहिब ने बचन कीते कहिंदे चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, चंगी तरह माया नूं चख के वेख लै, हुण पिछे परत के शक नहीं रहा भी उत्थे पता नहीं की है। ये एक तरह के लोग ने, एक होर तरह के भी लोग ने, हुण सारे ज्ञान
एक बंदे ते सारे ज्ञान लागू नहीं हुंदे, वह भी लोग ने जेड़े वेखते रहिंदे ने, वेखते रहिंदे ते पता लग जांदा इहदे विच कुछ नहीं, पर उहदे विच फिर डिग पैंदे परत के, वह भी हैं। ये वक्रे वक्रे मन ने। आप जी ने जिस महावैरागी चक्रवर्ती राजे बारे सुनिया, भरथरी, जिन्हें वैराग शतक ग्रंथ लिखिया भी वैराग की हुंदा, दुनिया तो उपरामता उदासी किवें आ सकती। ये चक्रवर्ती राजा सी ते इहनू चोट लग गई संसार तो कितें बहुत वड्डी, जदों धोखा लगा ते इहने कहा भी दुनिया छड्ड देनी है, त्याग देनी है। कहिंदे ने भी इह सत वारी इहने दुनिया त्यागी सी, जांदा सी ते फिर आ जांदा सी साल बाद घर, क्योंकि एक बारी ते वैराग हुण बहुत, तुहानू पता भी कई बारी वैराग बड़ा तेज हुंदा भी बस हुण तां हो जाणा साधू, हुण तां संत बन जाणा, छड जाणा, ते जदों चौथे कु दिन किते साध संगत जी उधर झलक वजदी है, वह वैराग थोड़ा हुंदा कच्चा, वह टुट जाता, फिर चला जाता। ये सत वारी जा इस तो भी ज्यादा वारी जिन्ना मैं वेख्या पढ़िया, वो सत वारी उन्हें दुनिया त्यागी सी पर फिर विच रह जाती सी, अंदर खिच फिर वापस आता सी, फिर चला जाता सी, फिर इन्हें वापस। इस करके जिहड़े जनक का नाम आउंदा उन्हें एक होर तरीका, ये बड़े तरीके ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दे विच, ये काम करन दा जिन्हों धर्म का कार्य कहिंदे, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, एक तरह का नहीं, इत्थे असीं भुल जांदे आ, असीं दूजे की चीज़ वरतदे। जनक ने एक होर बड़ी अजीब विधि की वरतों की, वह कहिंदा भी विच रह के सिमरन करना, विच भोग दे विच योग करना है, वह वखरा है होर किसी आदमी वास्ते, नालों नाल इको दम, एक हाथ इधर ठंडे पानी विच, एक गर्म विच, ते नाल अभ्यास करना, इस तरह करता रहा, वह भी एक अभ्यास है। उन्हों गुरु साहब ने कहा, कबीर साहब कहिंदे के यह योग के भोग, असल विच बंदा योगी बनदा ही उदन है जिदन भोग दे विच योगी बन जाए, संसार नूं वरतदा होया भी योग उहदे अंदर बनया रहा उदन छुटदा भोग तो, नहीं तो छुट नहीं सकता विच बिल्कुल, ये नहीं भी थोड़ा जिहा भी वखरा हो जाए, बचेगा ही उदन। ओही लकड़ पानी चो गलन तो बचेगी जिन्हों पानी दे विच सुट दिओ पर पानी गाल ना सके, वह बच सकती। जिवें कल आपां बेनती की निरलेप वक्रे रहन विच फिर भी नुक्स पै सकता कोई ना कोई, वह लकड़। इस करके जिहड़ी लकड़ पुरानी टाली हुंदी है 200 साल 300 साल पुरानी, तुसीं वेखोगे पंजाब विच इंडिया विच किन्नी सिउंक लगदी लकड़ां नूं, किन्नियां दवाइयां लाइया जांदियां ने, टीके लाउंदे ने लोक आए साल, पर वह फिर भी खा जांदी। पर एक लकड़ हुंदी है पुरानी टाली, उहनूं कहिंदे वगाओ सिउंक दे विच ले जा के, भला लगदी कि नहीं, उहनूं नहीं लग सकेगी, लोहा हो गई। वो जिहड़े बहुत विरले लोग ने जिहड़े इन्ने अंदरों अपने आप नूं कर करके करके ते एक ऐसी थां ते चले जांदे जिथे गुंजाइश ही कोई नहीं, ऐसी थां वो सिंघासन जिन्हों कबीर जी कहिंदे, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, 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 मिले है सारंग पानी, मिले है सारंग पानी, मिले है सारंग राम कबीरा एक पए है, 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 राम कबीरा एक पए है,
कोई न सकै पछानी, कोई न सकै पछानी, कोई न सकै पहचान ही नहीं आती। पता नहीं लगता भी ये सिख है कि गुरु है, कि गुरु है कि सिख है, पता नहीं लगता। कलगीधर पातशाह नू किसे ने कहा भी खालसे की व्याख्या थोड़ी जी सरल करके दसो, सौखी करके। उन्होंने अपनी बाणी भी लिखी बहुत सारी, पर कहिंदे 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 एक थां ते चले गए। कहन लगे उस दिन खालसा बन गया समझो, जिदन वो दुनिया के विच तुरिया जाए बाजार विचों निकले तो लोग उहदे मूँह वालों जां उहदे जीवन वल वेख के भुलेखा खा जाण, भुलेखा लग जाए उन्हां नूं। कहदा भुलेखा लगे? कहिंदे इह भुलेखा लग जाए भी एक दूजे नूं कहण कि आ गुरु गोबिंद सिंह ते नहीं जा रहा, कितें इह है खालसा, इहनूं कहिंदे आ। इन्ना उस थां ते चला गया, औखा है पर है यही है, इदू घट नहीं चलता। कहिंदे आ किते ओह ते नहीं, ये होना भी चाहीदा है। किते बस विच सफर करदिआं किसे दे मूँह नक वल वेख के बंदा कही देंदा भी ये किते ओहदा लड़का ते नहीं, किते ओहदा इहदा मूँह सिर उस तरह दा पता लगदा है। सिख वल्लों वेख के जे गुरु चेते नहीं आया इहदा मतलब ओह सिख है नहीं, ओहदे सिक्खी विच कोई कमी रह गई, नहीं तो उन्होंने मूँह नहीं बोलना पएगा भी मेरा कोई गुरु है। गुरु उहदे विचों झलका मार मार के डुलेगा बार, जे गुरु उहदे कोल होया ते उन्हूं कहण दी लोड़ नहीं पैनी। उहदी अखां दी नज़र, उहदी चाल, उहदी ढाल, उहदा बोलना गुरु नूं प्रगट करेगा, सामने लियाएगा ते अगला प्रभावित हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा पुछण वास्ते भी तेरा गुरु कौन है, दस तेरा गुरु कौन है। उहदे कर्म वल्लों वेख, उहदे जीवन वल वेख के इन्ना प्रभावित होएगा, खिच पएगी उहदे वल वेख। इउं कह लो भी जे उहदे नाल ईरखा भी होगी तो ईरखा दे नाल नाल भी प्रेम रहेगा। उहदी इह निशानी है साधु दी। उहदी की निशानी है? इस तरह के लोग जिहड़े बाणी में शब्द लिखे गए, जो हर का प्यारा सो सभना का प्यारा, होर केती झक झक आवे जा, कौन ने उह जिहड़े लोग उन्हां नाल वैर भी करदे ने ना, उन्हां नूं भी कहना पै जाएगा, विचों विचों रोणगे भी नहीं करना चाहीदा, पर वो एक चाल बन जाती दुनिया की, ग्रुप बन जाता, करनगे सही। आ एक शब्द आउंदा 12 माह दे विच, मैनूं किसे सिंह ने कहा भी आ की अर्थ ने, कहिंदे सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान। कहिंदे इत्थे तां निंदे ही हुंदी, मैं कहा निंदिया करन वाले विचों रोंदे ने भी हुण करनी पैणी है, पर हुंदी नहीं, मूँह नहीं खुलदी। ओह एक गुरतवा आकर्षण शक्ति है जिथे नाम है, वह खिच पाएगा बंदे नूं, छड्डेगा नहीं उसनूं। उहदा विरोधी भी जाके आराम नाल समेगा नहीं जिहड़ा उहने विरोध कीता, ओह ते मन द्वारा विरोध कर रहा, उहदी आत्मा उहदे प्यार विच जिएगी, उहदा भला मंगेगी, ये उहदी निशानी है। इस तरह का उहदे वर्गा ही बिल्कुल जिहड़े उहदे विच लीन होए, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछाणी। इन्ने उच्चे चले गए, मैं बेनती कर रहा सी बेपरवाही का गुण अकाल पुरख दे विच बहुत वड्डा है, वह विच रहिंदा है दुनिया के, उहदे ते किसी कर्म का प्रभाव नहीं पैंदा, पाप उदों खत्म हुंदा, उहदे तो बिना पाप खत्म नहीं हुंदा। वी जिवें जनक की मैं गल कर रहा सी, जदों बंदे की खिच अटैचमेंट जिहड़ी पदार्थ नाल खत्म हो जाए, फिर पदार्थ उहदे वास्ते पाप नहीं रहेगा, उहदे तो पहला सारा कुछ ही पाप है। जे मैं उस पद्धर दे उत्ते व्याख्या कर दिया तो पाप पुन की सार ना जाणे भूला फिरै अजाई, उन्ना चिर पाप खत्म नहीं हुंदा जिन्ना चिर व्यक्ति की अटैचमेंट पदार्थ नाल टुटदी नहीं। वो चंगा भी कड़े करेगा फिर माड़ा हो जाएगा, उस तरह चला जाए भावें वह साधु भी क्यों ना हो जाए। हुण जनक ने कहा सी अष्टावक्र नूं भई मैं इस सिंघासन के उत्ते बह के साधु बनना है, बड़ा औखा सी, छड़ना नहीं इहनूं, इहदे उत्ते ही रहना। भरतरी ने छड़ दिता सी, वह उतर के आ गया थले,
जनक कहिंदा नहीं इत्थे बह के दसो इत्थे, क्योंकि ये नाल रहना बंदे दे सिंघासन। ते जदों उहदे ते बख्शिश हो गई ना, जनक नूं पता लग गया भी की है जिंदगी, रब किवें दा है। जनक उवें दे हो गए, रब सी विच रहिंदा सी ते वखरा रहिंदा सी, इस तरह दा सी। जनक विच रहिण लग पिया ते वखरा, औखा बड़ा सी, इह गल पक्की है। ते एक वखरा रहिण वाला सज्जन आया जनक नूं मिलण वास्ते, उह कौण सी? सुखदेव मुनि। छोटा मुनि नहीं सी, मन्निया पर मन्निया। सुखदेव मुनि आ गया, पता लगा मिलने आए ने। ते सुखदेव मुनि तां आया सी भी इह दसण वास्ते बई तू कोई भगत नहीं, मैं भगत हाँ, मैं दुनिया छड़ के। जदों आए ते जनक, हुण जनक दी दुनिया होर सी। कर्म करत होवै ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बांछै, केवल भगत कीर्तन संग राचै। उत्थे इच्छा ही कोई नहीं। हुण इह तां बड़ा औखा है ना साध संगत जी, कोई बंदा अंब बीजे ही ना ते उहदे बारे तां मन्निया जा सकदा है भी इहनूं अंबां दी आस नहीं। पर जिहड़ा बंदा अंब दा बूटा फड़ के अंब लाउंदा है, उहनूं पाणी पाउंदा है, उहनूं गुरु के सवारे उह फिर गोडी करदा है, उहदे बारे असीं सोच सकदे हां भी इहनूं अंबां दी आस नहीं? इह नहीं हो सकदा, इह औखा है। पर धर्म इही है, धर्म छड़ना नहीं करके छड़ना है, ध्यान देना। छड़ना धर्म नहीं, संसार नूं छड़ना बिल्कुल धर्म नहीं है, त्यागना धर्म नहीं, उहनूं करके पारोपकारी हो ही हो सकता है। कर्म करत होवै ने कर्म, ने कर्म दा मतलब ये नहीं भी कर्म छड़ दिता है। कर्म पूरा करना है, इच्छा पूरी करनी है, तृष्णा पूरी करनी है, तृष्णा करके संतोखी रहना, ये बड़ा औखा कम है। यही है, ये तो बिना कोई आदमी पार नहीं जा सकता। तृष्णा छड़नी नहीं सकनी, लोभ दा सिर्फ मूँह परतावना है, पासा पलट देना उहदा, दूजे पासे लै जाना। ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਨਾਟਕ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾਟਕ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਦਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡਣੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਵਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਝੂ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜੰਝੂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਲਸੇ, 1699 ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, 10 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ,
भी गुरु की बाणी नहीं, उहदा सिरलेख है बचित्र नाटक। कहिंदे कलगीधर पातशाह कहिंदे जिथे मैं आया ना आ धरती, यह सच्चाई नहीं, यह नाटक है। तो नाटक विचित्र क्योंकि नाटक वो ही हुंदा है जिन्हों वेख के पता ना लगे भी नकली है, असली लगे, लोग रोन लग पैन वेख के जां हसन लग पैन, पता ना लगे। पर उत्थे जिहड़ी पत्नी है जिहड़ा पति है वह सारे नकली ने। पत्नी कितों आई है, पति कितों आया, भरा कितों बनया, सारे बाहरों खिंचे गए ने पात्र जिहड़े एक्टर ने, वो खेड रहे ने, उन्हां दा आपसी स्नेह नाता नहीं अंदरों, वह बाहरों बने ने पति पत्नी जां भरा भैण जां कुछ भी, वह नाटक खेड रहे ने। पर वेखण वाले नूं भुलेखा लगता है बई ये नाटक असल विच तुसीं लोक रोंदे वेखोगे सिनेमा हाल दे विच, कोई घटना वापर रही उत्थे कुछ भी नहीं, वो वैसे कर रहे हैं विचित्र। कलगीधर पातशाह कहिंदे हे अकाल पुरख आ जिहड़ा तू नाटक बनाया ना यह है नाटक ही है। आ जिन्ने परिवार ने ना किसी की कोई पत्नी है, ना किसी का कोई पति है, ना किसी का कोई भरा है, ना किसी की भैन है, यह है सारा नाटक, पर लगता सच है, किसी को नहीं पता लगता भी असल में नहीं, ये किसी का कुछ भी नहीं है। ये डोज थोड़ी जी सख्त इस करके हुण साडे बंदे इहनूं देंदे भी नहीं, कहिंदे भी जिहड़े चार बंदे आउंदे कहिंदे उह भी जांदे रहिण जे कहीए भी झूठा संसार नाटक है। उह कहिंदे कम तां चलाओ कोई चार बंदे, क्योंकि हिम्मत होवे तां ही, पर पुला थल्लों पाणी लंघणा होर कोई राह नहीं, इहदे तों बिना धर्म दी समझ नहीं आउणी। नाम दे अखीरले अखर जिहड़े ने मौत ने, नाम दे अखीरले अखर, नाम तृष्णा नूं वधाउण वाली चीज़ का नाम नहीं। यह तो हुण मैं फिर बेनती करदे हां भी हुण लोग इकट्ठे करन वास्ते लालच देना ही पैंदा है, जे आह तुसीं इन्ने पाठ करो इन्नियां पैंसलां देंगे, चलिया ना पिछे पंजाब विच काम, इन्नियां कापियां देंगे, इन्नियां पैंसलां, किसी नूं मोटरसाइकिल इनाम मिलेगी, की करे बंदा हुण कमजू कमजोर हो गया। नहीं तो इस मार्ग ते हजूर कहिंदे जो तो प्रेम खिलण का चाओ, जो तो प्रेम खिलण का चाओ, जो तो प्रेम जो तो प्रेम खिलण का चाओ, जो तो प्रेम खिलण का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, सिर तर तली कहिंदे सिर दे फिर मिलेगा की जी, कहिंदे तेनू ओ जिउंदा जीवन देंगा फिर जिहदी मौत नहीं होगी। ये थोड़ा जिहा लोभ है, जदों ये गल करिए फिर थोड़ा जा मन कहिंदा भी ठीक है करने हैं कुछ, क्योंकि फिर जिउंदे रह लांगे, जीवन इत्थे अड़ गया बस, यही बुझारत है। इत्थे ही एक मोड़ है जिथे आदमी भटक जाता है, जे जिउणा है तो मरना पएगा, जे मरते रहना तो जिउण की आस रखनी पएगी। वार वार आदमी एको ही तो कम कर रहा, बस सारी उम्र की करने असी, मरन तो बचन के उपा करते रहने सारी उम्र, वह फिर हो जाता, वह फिर हो जाता। जिसने इस चीज़ को समझ लिया कि खत्म होना पैदा होना है, असल विच कहानी की है, सच्चाई की है, जदों बच्चा जन्म लैंदा है ना, बच्चा रोंदा क्यों है, कई कारण ने उहदे, एक तो उहदी लिब टुटदी है, एक उहदा होर कारण है, वह जिथे 10 महीने रहा है उत्थे उहदी पूरी दुनिया है, उत्थे इस तरह रह रहा जिथे हुण असीं रह रहे हां, जिवें आ जिथे रह रहे हैं सानू लगता ना भी बिल्कुल इत्थे ते बस मजा पूरा, ये है साडा घर, ये है साडा परिवार, इहनू छड्डन नू मन तैयार नहीं। तो बच्चा जिथे 10 महीने रहिंदा ना उत्थे उहदा संसार है पूरा, उहदे नाल मोह पा लैंदा, जदों उत्थों उहनू कुदरत कढ़दी है तो सोचदा मर गया बस मौत हो गई। जे बच्चे की अंदरली भाषा पढ़ी जाए तो जन्म के समय उहनू मौत प्रतीत हुंदी, मेरी मौत आ रही है, पर हर एक मौत जन्म नूं शुरुआत देंदी है, इधर जन्म शुरू हो गया उधर वधाइयां मिलनियां शुरू हो गई। हुण जिथे असीं हुण जी रहे हां
इत्थे जी रहे हैं, कुदरत तैयारी कर रही है भी इहनू अगे जन्म देना है, उहनू फिर असीं मौत कहना। कुदरत तैयारी कर रही साडे वास्ते भी इहदा जिद्दन पूरा हो गया गर्भकाल इत्थे रहण दा समां, इहनू इत्थों अगे लै जाणा होर किते, ये चीज़ छड्ड देनी। जिवें बच्चे दा उह सारा खाणा पीणा खत्म हो जांदा जिहड़ा कनैक्शन हुंदा मां दी धुनी दे नाल, सारा कुछ वह नाड़ियाँ सारिया टुट जांदियां उहदियां, कनैक्शन खत्म हो जांदे ने। नवी दुनिया, नवा संसार, नवी हवा, सब कुछ नवा। इतों जिदन अगे जन्म देना उदन असी उन्हूं मौत कह देना। मौत सिर्फ यह धुप ते छां दी खेड, इहदे दुआले आदमी भज्जे। इस करके सतगुरु ने कहा नाटक, यह विचित्र नाटक तां है भी हैरान कर देंदा भी इहदा पता ही नहीं लगता ऐसी खेड उन्हें रचाई है। तो सतगुरु खुद इस बाणी दे विच इहनूं फिर तमाशा इस ढंग दे नाल कहिंदे, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को देखण आयो जगत तमाशा, देखण आयो जगत तमाशा, देखण आयो मैं हूँ परम पुरख को दासा, मैं हूँ परम पुरख को दासा, दासा। कलगीधर पातशाह के जीवन में एक घटना जिहड़ी लुकी हुई आम प्रचलित नहीं, कहिंदे ने एक परमार्थ का खोजी अमीर आदमी सतगुरां कोल आया, नाल उहदे लाओ लश्कर चौधरी सी बहुत वड्डा, माया की कोई कमी नहीं, धन बड़ा। पर किसी ने कहा कई बारी अमीर बंदिया नूं भी धर्म की खोज हुंदी है, पुराने भाग हुंदे अंदर, वो खोजी सी। किसी कहा भी जा आनंदपुर वाले गुरु कोल, वो तैनू दस देणगे भी किवें जुड़ीदा रब दे नाल, सांझ किवें पाई दी। आ गया, नाल लाओ लश्कर सी, नौकर चाकर सन, बड़े वड्डे इलाके का मालक, माया की कमी नहीं, पर भागा वाला सी, खोज सी अकाल पुरख वाहगुरु। जदों आया नाल परिवार, राणियां, रिश्तेदार, कई कुछ लैके आया, हजूर दा अगे दरबार लगा होया। तो सतगुरां की चढ़ती कला, वैसे भी उन्हां दी उम्र 42 साल तक रही, सिर्फ चढ़ती जवानी सी, तो सुंदरता का कोई अंत नहीं सी। लाओ लश्कर नाल सूरमे सजे हुए, कलगी लगी हुई, प्रशादी हाथी, जदों सारा कुछ वेख्या तो गुरु के सवारे हो, कुदरती तौर पर मनुखी जीवन की एक बहुत वड्डी कमजोरी, उन्हूं कहिंदे शक पै जाना। विश्वास करन वास्ते बड़ा टाइम लगता, भरोसा पैदा करन लई बहुत टाइम लगेगा। जिवें कोई जिमीदार खेत नूं पौणी लाउंदा है ते वट बनाउन लग्या बड़ा टाइम लगता, पर जे सुराख थोड़ा जिहा हो गया तो पानी एक मिनट में रोड़ के रख दिंदा सारे कुछ। विश्वास कच्ची वट है असल में, वो विश्वास जिहड़ा उहनूं एक चोट लगी अंदरों, कहिंदा गुरु कोल आए सी रब नूं मिलन दी गल, इत्थे गुरु ते ऐश विच पए होए ने, कलगियां लगियां ने, चौहां पासे चमकदा सारा कुछ, इहो जिहे कपड़े ते मैं करोड़पतियां दे पाए भी नहीं वेखे। शक पै गया क्योंकि गुरु नूं ओ ही वेख सकदा है जिहड़ा गुरु कोलों अख लवे, ऐस अख नाल गुरु नहीं दिसदा। अजे सानू गुरु ग्रंथ साहिब दिसे नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी कोल एक अख है, सिख अरदास करदा रहे भी ओ अख दिओ जिहदे नाल तुसीं दिसो मैनूं, अजे नहीं दिसे हो, अजे तां रुमाले दिसे ने, अजे ते बारों बारों दिसिया। जिदन दिसेगा उदन मथा टेकण दा तरीका होर होवेगा, इह तां इह भी चंगा है, इस तरह भी नमस्कार। फिर इत्थे आउण लग्गिया कदम जिहड़े ने उहदे तसीर बदल जाएगी सिख दी। आया बैठा सतगुरां नूं नमस्कार कीती, पर शक पै गया भी इत्थे किथे परमारथ, इह तां सारा कुछ रंग रोगन लगदा बहुत कुछ। एक दिन रहा तो अगले दिन इजाजत मंगी, मैं जाना चाहना। हजूर अंतरजामी पातशाह जी ने जान लिया भी ये मन में शंका पै गया, तो शंका ऐसी चीज़ है
इस घर दे विच जे शक लैके चला गया पता नहीं किन्ने जन्मां तक भटक जाएगा। इस करके सतगुरु ने कहा राजन इन्नी दूरों आए हो चार दिन रवो फिर चले जाना काल का दिए। कहन लगा नहीं कम बहुत है पिछे मुड़ना जरूर। तो सतगुरु ने वेख लिया भला करना सी एक ऐसी दवाई गुरु को मैं पिछे भी हुणे बेनती करके आया गुरु को एक दवाई है मौत मौत की याद ओदे तो बिना शुद्धता नहीं आवेगी जीवन की जिन्ना चिर वो ही ना सामने होवे ओदे तो घट बंदा कदी जागेगा ही नहीं। ओही ते चीज जिहड़ी तोड़दी इहनू ये चीज़ां कुछ सहज सुभा खत्म हो जाती ने मौत सामने हुए। सतगुरु ने वेख्या हुण आया तो है इको ही दवाई यदि होर तो दवाई इन कम ही नहीं करनी खोजी तो पहले ही है ज्ञान तो पहले ही बड़ा है कथावां तो इन्हें पहले ही बड़िया सुनिया ने इन्हें समझना नहीं किसी गल दे नाल। हजूर ने फिर अखीरला तीर मारिया कहन लगे राजन चलो मैं तो चाहुंदा सी मेरे कोल चार दिन रह जाते। कहन लगा नहीं जाना कहिंदे चलो जाना तो चले जाओ सत दिनों विच तुहाडी मौत हो जाणी। जदों मौत शब्द सुनिया तो सत दिन पैरां थल्लों जमीन निकल गई एकदम अखां दे अगे हनेरा आ गया भी मौत एकदम संसार छुट्टिया। इहनूं कहिंदे ने ब्रह्म ज्ञानी दी अवस्था पहला इत्थों लंघेगा सौखा नहीं एवें ये कह देना तो सौखा भी वह दरगाह विच क्या होया चलता है पर जदों इस पुल के थल्ले लंघता उदों पता लगता। कहिंदे सत दिनां विच हजूर ने कहा हाँ भेद सी गल विच सोचा गुरु तो भविखबाणी करदी नहीं गुरु ते दे खिलाफ ने पर ये की होया सत दिन। कहिंदे हाँ तुहाडे वास्ते कह दिता है ऊं तां असीं दसदे नहीं किसे नूं सत दिनों में तुसी मरोगे पूरी तरह ठोक के कह दिता चला गया किसी तरह। जो पहला आया सी ते नाल सारे दिसदे सन भई आ मेरा पुत्र है आ मेरिया राणिया ने आ मेरे नौकर ने तुरिया जांदा नाल दिसदे कोई नहीं है भी एक नहीं पैर कंबदे ने वो है अवस्था वैराग दी उहदे विचों लंघेगा जीवन ये कोई सौखा नहीं कथा कहानियां ज्ञान दियां गल्लां कल्लियां नहीं। जदों तुरिया जांदा साध संगत दिसदा कुछ नहीं जाके कमरे में बैठा नौकरां ने चाह पानी छकाया थोड़ा जिहा टिका पर सत दिन सामने खड़े ने सत दिन सिर्फ कमाल हो गई शरीर भी नहीं लगता भी मेरे नाल है क्योंकि हुण गल नेड़े दिसन लग पई। गुरु वैद है उन्हें अखीरली दवाई दे दित्ती भी चला जाएगा इस तरह शंके विच अंदरों आवाज आई मना हुण गुरु भावें पूरा है तो भावें अधूरा है सत्तां दिनां विच होर केड़ा कोई लभना जिन्हें बचा लेना है चल जो कुछ भी होया हुण इहदे कोल ही रहो टाइम तो थोड़ा रह गया इत्थे रह जाइए डुबे तो है ही है जे कुछ होया इहदे कोल तो बचा लेगा नहीं तो डुबे तो है ही है देणी सत रह गया रह गया। दूजे दिन हजूर नूं फिर मिलन आया कहिंदे की गल गए नहीं कहिंदे सोचिया हुण दिन ते सत रह गए भज के जाना कित्थे है तुहाडे खाते पै गया वेख लो जिवें करना। कहिंदे कोई गल नहीं सतगुरु ने कहा तू रहो फिक्र ना कर असीं गल करने आ शायद हो जाए कम थोड़ा जिहा भरोसा बज गया। सत दिन रहा साध संगत जी परिवार सामने बैठा है तो दिसदा नहीं भी बैठा कि नहीं बैठा इहनूं कहिंदे विराग पता नहीं लगता सामने कौन बैठा पहचान नहीं आउंदी वो अखां तां खुलदियां ने छोटी मोटी गल नाल नहीं खुलदियां। नौकर बड़ा सोहना भोजन बना के लिआउंदे ने बस एक अद्धी ग्राही खांदा ते विच ही छुट जांदा भोजन चंगा नहीं लगदा वो वार वार कहिंदे ने कपड़े बदल लो जी कहिंदे कोई नहीं आ ही ठीक ने हुण सर जांदा है चंगी तरह पग बन्नो जी पेच लै के बाज लिया के देना कहिंदे कोई नहीं ठीक है इस तरह ही ठीक है इत्थों लंघेगी गल। जदों इस तरह होया ना छे दिन लंघ गए तो हुण तां कहिंदा भी इक्को ही दिन क्योंकि गुरु ने कहा सी सत दिन अखीरली घड़ी आ गई ये भी कहा भी बचा सकते हो गुरु कलगीधर पातशाह ने कहा भी इत्थे वो सौदा है नहीं जिहड़े तकड़ी तोलन वाले नहीं उस तरह ही होवेगा जिवें कहा है। जदों सतवां दिन आया ना जिद्दन कहा सी सतवां दिन जदों निकल गया तो मरिया नहीं हैरान हो गया किसी ने कहा भी गुरु ने चमत्कार वरताया किसी ने कहा कुछ
कहिंदे चलो जो भी होया मैं मिला तो सही, मैनू तो एवें लगती गल। जदों मिलन गए तो हजूर दूरों वेख के हसन लग पाए, आ रहा सी अद्धा वजन रह गया सत्तां दिनां विच, अद्धा वजन चेहरा तब्दील हो गया, सब कुछ बदल गया। कहिंदे महाराज सत दिन तो लंघ गए, कहिंदे कोई गल नहीं अगले फिर आ गए ने सत दिन, हुंदे ही सत दिन ने, अठवां ते हुंदा ही कोई नहीं, हुंदे ही सत ने। गुरु ने ऐसे चक्कर विच पाया भी पता ही कोई नहीं लगा क्या की है। कहन लगे तुसी कहिंदे सी सत दिनां विच मरोगे, कहिंदे सारी दुनिया सत्तां विच मरदी, मैं थोड़ी कहा सी भी इन्हां सत्तां विच मरना है, कोई भी सत हो सकदे ने। वो कहिंदा भी ये तां देखो तरीका वरत लिया, पता नहीं लगा सी, अजे भी अद्धियां नूं पता नहीं लगा उहनूं किवें लगना सी। तां सतगुरु ने कहा, उन्हें कहा भी तुसी झूठ नहीं बोलिया भी सत दिनां विच तुसी मर जाना। हजूर कहिंदे दिन ही सत हुंदे ने, तू सोमवार तो लैके ऐतवार तक गिण दिन किन्ने ने? कहिंदे सत ने। तो कहिंदे आ जिन्नी दुनिया मरदी है सत्तां विच ही मरदी, अठवां दिन ही कोई नहीं, तो फिर तू किहदे च मरना? मैं नहीं सी कहा भी यही सत ने, यह तू सुनन विच भुलेखा खा गए। कहिंदे अच्छा तुसी मखौल कीता? हजूर कहिंदे मखौल नहीं सजना, दुनिया विच होर भावें कुछ वापरे ना वापरे, इन्हें वापर नहीं वापरना, परमानेंटली 100% यह सच है, होर कुछ होवे ना होवे ये तां होएगा ही। पर तू मैनू एक गल का जवाब दे, जिदन तू आया सा तू शक कीता सी भी गुरु दे ते कपड़े सोहने ने, गुरु ते माया विच फसया है, ये अगे ते सारी दुनिया की सुंदरता झुकदी पई, इत्थे कित्थे रब होवेगा? कहन लगे राजन दस सत दिन खाना पीना किवें दा लगा है, सत दिन परिवार किवें दा लगा है? कहन लगा महाराज परिवार ते दिस ही नहीं सत दिन, सत दिन कुछ नहीं खाना पीना चंगा, कुछ नहीं कपड़े चंगे लगे। हजूर ने कहा तेनू ते सत दिन मिल गए सन, ते जिस बाबे नानक दी गद्दी ते मैं बैठा वह कहिंदा हम आदमी हाँ एक दमी मोलत मोत ना जाना। कहिंदे बाहरों रंग कपड़िया दे बिना है, पर सजना असी जिंदगी नूं इस तरह जाणिया है, एक पल तो अगे पता नहीं है कि नहीं है, तां ये छुटदा है। जे तू उस दात नूं लैणा जिहड़ी दात तू लैण आया है, इहदे तो घट कोई फीस नहीं इस घर दे विच। हाँ जे बच्चियां दी खेड खेडनी है तो फिर मैं तैनूं कह देंगा जी इस तरह सवास खिच के अंज कहो, तू अंज कर, फिर लगा रही ध्यान लगा रहेंगा वो ठीक है, चलता काम वधिया, फिर मैं तेनू कह देंगे भी अष्टांग कर लै इस तरह कर, आ छे चक्कर खुल जाएंगे, वो ध्याने लगन वाली गल्लां ने टाइम पास हो जाएगा, उहदे विचों निकलना कुछ नहीं, जे आउणा ही ते गल आ इहदे तो घट सरना नहीं। हाँ मैं तेनू गरंटी देना तू एक बारी अपने आप नू खत्म करन वास्ते सहमत हो जा, मैं तेनू इन्नी वड्डी जिंदगी दे देंगा जिथों तक मौत दे हथ नहीं जाणगे, तेनू उत्थे लै के चला जाऊंगा। उस दुनिया विच इको ही ते थां जिथे इस सवाल का हल जिन्हों मौत कहिंदे, दुनिया विच होर किते है ही नहीं, होर कोई चीज़ नहीं। इसलिए कलगीधर पातशाह कहिंदे ने रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो रे मन ऐसो कर सन्यासा, रे मन ऐसो कर सन्यासा, इस तरह का सन्यास कर। बन से सदन सब कर समझो, बन बन का अर्थ है जंगल विच, सदन का अर्थ है घर। कहिंदे इस घर नूं जंगल समझ लै, जंगल विच जरूर जाणा, इह जंगल इस सिख दा। भाई वीर सिंह होरां दे कोल एक कोई इस तरह दा आया सी साधु, ते उहनां दी अवस्था बड़ी उच्ची सी, वेख के कहिंदा वी घर विच रह के ते इस तरह नहीं हो सकदा, किते रहे हो जंगल विच? ते भाई साहब कहिंदे रोज़ रहीदा है। कहिंदे किथे? कहिंदे एक 24 घंटिया बाद समा आउंदा जदों जंगल हुंदा है, वो केड़ा? कहिंदे उदों सारे सौ जांदे ने, घर दे परिवार दे मैंबर भी,
कोई नहीं जागता, वो समा हुंदा जंगल, कोई चौवां पासे चीज सब डिग पए एक दो बजे, सारे कुछ विरले ने, वो है जंगल। जे तू जंगल में आना है तो सवेरे आ जाई। उदू बाद फिर चार बज गए, फिर बथेरा, कोई टलियां खड़कन लग पैंदियां, कोई कुछ, वो गल हो रहा। यह है जंगल। वैसे एक ऐसे साधु नाल उन्हां दा मिलाप सी, जिन्हां दा उन्हें कभी ना नहीं दस्या, सिर्फ लफ्ज वरत्या दाता जी शब्द। वो कहिंदे ने वार वार अपनियां, बई जदों मैनूं लोड़ पैंदी सी वह दाता जी शब्द कह के उत्थों आउंदे सन। वह कितें दूर किसी बहुत अणदसी थां ते रहिंदे सी, ते कदी कदी आ जांदे भाई वीर सिंह होरां दे कोल। लोड़ पैंदी सी, उन्हां नूं कह जांदे सी वी अगों इस तरह करना। हुण इह गल वह वक्री घटना। इस करके मैं जिहड़ा विषय तों अगे चला गया भी बेपरवाह जदों उहदे नाल जुड़े, उहनां विच बेपरवाही आ गई। जिवें कबीर जी कहिंदे ने कि ऐसा अचरज एक मैनू आनंद मिलिया, मैं बेपरवाह हो गया, किसी की परवाह नहीं रही। को हर समान नहीं राजा, ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दे वाजा। कहिंदे मैनू एक ऐसा राजा मिलिया, उहदे सिंघासन ते उहदे तख्त ते चढ़िया, एक पूरा शब्द है उहनां दा, जिहदे विचों वार वार उस राज दी, उस तख्त दी, उस सरकार दी गल करदे ने, जो सारी दी सारी अंदर चलती है, जिहदे कोल बड़ी वड्डी पावर है, बड़ी वड्डी शक्ति है। बस उत्थे उंगल हिलाउण दी देर है, इत्थे सब कुछ हिल जाएगा। हाँ, वो ऐसे लोग ने जिहड़े उहनूं बाहर बहुत घट प्रगट होण दिंदे, बहुत घट। आ जिहड़ा साईं मियां मीर ने कहा सी ना, वी दिल्ली लाहौर दी इट खड़का दिया, ये लफ्ज़ नहीं गुरु के सवारे हो, ये गुरु के सिखा ने करके वेख्या, फिर हाथ पीछा खिंच लिया भी नहीं, ये नहीं करना। ये प्रैक्टिकल ने चीज़ा सारिया, कहानियां नहीं। ऐसे भी लोग ने जिन्होंने हाथ पा के वेख्या पर चुप कर गए, बस हुण नहीं करना, क्योंकि आम रेंदे दुनिया विच, भाणे दे विच रेंदे, वो सदा ही परोपकार जिन्हां नूं हजूर कहिंदे ने बाणी दे विच। ऐसी दुनिया के लोग बेपरवाह रेंदे ने, जिन्हों कबीर जी कहिंदे अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाई। उस दुनिया बारे नहीं कुछ कहा जाता। पंडित कहिंदा भी सबूत दिओ, पंडित ने तो कहना ही सबूत दिओ। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रे पवन मेखली लाई। राजा राम अनहद किंगुरी वाजै, जा की दिष्ट नाद ने बुलागै। भाठी गगन सिंघिया अर चुंगिया, कने कलश इक पाया, तामै धार चुवै अत निर्मल, रस मैं रसन चुवाया। ये महंगे लफ्ज़ ने बहुत, इन्हां दी व्याख्या ते बहुत टाइम लगदा। अगे कहिंदे एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। इत्थे जाके ना फिर उन्हें थोड़ा जिहा खोल के गल दस दित्ती। कहिंदे एक बड़ी हैरान करन वाली गल बन गई रब नाल जुड़ के, किहड़ी? एक जो बात अनूप बनी है, की होया? पवन प्याला, प्याले दे अर्थ वार वार बाणी विच प्याला आवेगा। इसलिए जिहड़े प्याले वाले सज्जन ना एवें डरदे ने इत्थों वी प्याला छुट जाएगा। प्याला वड्डा मिलदा इत्थे आओ ते सही, एक वारी प्याला नहीं छुटदा। आ बदबू वाला प्याला छुट जांदा, दूजा प्याला इत्थे प्याला है उहदे तों वी वड्डा है। वो प्याला तो थोड़े चिर लई नाले वो भी जिवें दा है वो वेखी सारे। एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला, पवन दे अर्थ ने श्वास, श्वासां दा प्याला बन गया। कहिंदे पवन प्याला साजिया, तीन भवन मैं एको जोगी। उस प्याले दे नाल जदों वो नशा वो रस पीता ना, पता लगा भी राजा तो एको ही है। तीन भवन मैं एको जोगी, कहो कौन है राजा। ये अर्थ ने उस हालात दे विच वो भगत इन्नी शक्ति नाल भरिया जाता है, जिन्हों कहा जाता है कर्म खंड की बाणी जोर, इन्ना जोर इन्नी ताकत वो दे विच आ जाती है। वो फिर उठ के कहिंदा कहो दसो मैनू कौन है राजा, केड़ा दुनिया विच राजा जिहड़ा कबीर दे अगे अड़ सके। बेपरवाही है ना,
वेखण वाले कहणगे इहदे कोल ते आए कुछ भी नहीं, कपड़े भी पुराने, ये चैलेंज किनू कर रहा है? कहो कौन है राजा, कौन है जिहड़ा कबीर दे सामने आके अड़ जाएगा? इस करके वो ही एक दुनिया जिहड़ी बेपरवाह ते खुश, नहीं ते सब हर एक चीज़ दे थले मनुख दबिया रहिंदा है। उसे नूं इत्थे वार वार भाई गुरदास जी बादशाही कह रहे ने, बेपरवाही कह रहे ने। ये बाकी का विषय आपां कल दीवान विच विचारना, इस पौड़ी ते कुछ मिनट हुण रहिंदे आपां गुरु शब्द नाल जुड़ना है, उस दात नाल जिहड़ी बादशाह बख्शिशां गुरु नानक दे घर दी कृपा जिस नाम विचों मिलदी है। इस करके सारे प्यार नाल एकाग्र हो के बैठो और पूरी एकाग्र आवाज विच ध्यान ला के, चौंकड़ा ला के अपनी ही आवाज़ नूं सुनना है, किसी की आवाज़ नूं नहीं, अपने आप नूं। होर किसी का ध्यान करन दी लोड़ नहीं, अपने आप का ध्यान करो, क्योंकि होर बाहर कुछ भी नहीं, उत्थे ही उहदा नाम दा जिहड़ा केंद्र है अपने आपे दे विच, उत्थे ही उहनूं जपना, उत्थे ही सुनना ध्यान द्वारा। ये गुरु साहिब ने सानूं दात बख्शी, सारे प्यार नाल उच्ची आवाज विच बोलन दी कृपा करनी। वाहे गुरु, 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 वाहे
वाहिगुरु 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 ईश्वर नाहीं दाता अपना नाम रेहो गुण गावां दिन रात नानक चाउ ए सब तो अमुल दात गुरु नानक दे घर विच जो बख्शिश की गई है सतगुरां दे चरणां विच अरदास करिए बेअंत प्रकार दियां भुलां चुकां दी खिमा करनी फतेह दी सांझ करूगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।